बोलता है, कहता है, ये तो मेरा सौभाग्य है।
अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय के देश की अवस्था पर बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेश की इस बात से सहमत न था। वो बोला, दोष निकालना सुगम है, कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर दिए तो दिखा दो न्याय किसे कहते। योग्य ढंग से आदर सत्कार के बाद दोनों स्वाभाविक रूप से तरह तरह की बातें करने लगे। उसमें से बात देश के चल रहे न्याय प्रक्रिया पर अटक गई। शिशुपाल ने स्वाभाविक रूप से अपनी
सम्राट बोले ब्राह्मण देवता, मैं आपके न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री होंगे, सम्राट ने कहा और अपने हाथ की अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा है। सम्राट अशोक ऐसे ही कोई अच्छे बुद्धिमान प्रामाणिक इंसान की खोज में थे। उन्होंने शिशुपाल को बोला कि मैं आपको अपने राज्य में न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त करना चाहता और उसने शिशुपाल का अभिवादन भी अच्छे से किया। ब्राह्मण को देवता बनाकर, ब्राह्मण को देवता कहकर वो शिशुपाल का आदर करता है। तभी हमें पता चलता है कि पुराने जमाने के राजा महाराजा सौभ्यवान तो थे, उसके उपरांत वो धर्मप्रेमी होते थे, वो ब्राह्मण को देवता का रूप मानते थे। और उसने शिशुपाल से बोला कि आप कल से मेरे राज्य में न्याय मंत्री है। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे, उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ किया। उन्हें सुंदरबन से राज्य में पूरी शांति रहने लगी। किसी को कुछ प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़कर जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुंदरबन और न्याय की धूम मच गई। न्याय मंत्री होते ही शिशुपाल ने कुछ जरूरी फेरफार उसके मुताबिक किए। न्याय प्रक्रिया को ज्यादा सुव्यवस्थित किया। अब राज्य में चोरी चपाटी लूट डकैती भ्रष्टाचार वो कुछ नहीं बचा था। बचा था अपने समाज और अपने देश को सुखी और शांति से
जंगल एक महीने बाद किसी ने रात में पहरेदार की रतिया कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों ओर फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दी। पूरा सिस्टम अच्छे से चल रहा। कोई छोटी सी मुसीबत, कोई छोटा सा भी अपराध, अब राज्य में देश में इतने में हत्या जैसी बड़ी दुर्घटना, बड़ी घटना सबको अंदर से हिला दी। शिशुपाल को इस बात से बहुत गहरा सदमा पहुंचा, धक्का लगा। वो सोचने लगा कि किसने इतनी हिम्मत है कि शिशुपाल के न्याय मंत्री होने पर भी ऐसी हत्या जैसी खतरनाक गुनाह कर सकता है। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे, एक ओर एक न्यायमंत्री, दूसरी ओर वे सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। यह सबसे अच्छी बात है न्याय प्रक्रिया। अपराध अपराध ही होता है, गुनाह गुनाह ही होता है। गुनाह किसने किया ये खूब अहम और जरूरी बात है। गुनहगार कौन है, साधारण व्यक्ति है या सम्राट है? जो हम ये देखने लगेंगे तो न्याय जैसी प्रक्रिया रहेगी। बहुत गहरा सदमा दूसरा लगा कि जो पहरेदार की हत्या की गई है वो किसी और ने नहीं, सम्राट अशोक ने की। अब तीसरा सदमा कि अशोक सम्राट को गुनहगार कैसे साबित करे, क्योंकि मैं सम्राट अशोक का ही सेवक हूं। शिशुपाल के मन में, उसके दिमाग में घमासान युद्ध था। विचार आपस में टकरा रहे थे। शिशुपाल की शांति न रही थी, वो अशांत हो गया। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्यायमंत्री ने सहसापूर्ण कहा, जी हाँ पता चल गया। तो फिर न्यायमंत्री पूछ रखे, फिर अपने कुछ अधिकारी को संकेत करते हुए बोला, धन्य इन्हें गिरफ्तार कर मैं आज्ञा देता हूं। संकेत सम्राट को। अब जाके शिशुपाल ने अपने आप को अंदर से मजबूत बना लिया। आगे जो होगा देखा जाएगा, सोचा जाएगा, सहन किया जाएगा, लेकिन गुनहगार को उसके गुनाह की सजा मिलनी ही चाहिए। ऐसा कहके वो तटस्थ हो गया और उसने अपने कुछ अधिकारी को आज्ञा दी कि धनवीर गुनहगार को गिरफ्तार करो। और वो संज्ञा अशोक की ओर थी, उसका इशारा अशोक की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन पर से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? न्यायमंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने अपने शब्दों को फिर से दोहराया, धनवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। गिरफ्तारी की बात सुनकर सम्राट अशोक झुंझला गए, आग बबूला हो गए। इतना गुस्सा आया कि वो स्वयं अपने सिंहासन पर से खड़े हो गए और चिल्ला उठे, इतना साहस, मेरे सेवक होते हुए तुम मुझे क्यों नहीं बताते हो? लेकिन उस
न्याय मंत्री ने गुनगार अशोक से पूछा कि तुमने ये हत्या की है। देखो ये सवाल गौर से देखो, गौर से मेरी बात सुनो। गुनेगार साबित होते ही महाराजा, राजा, सम्राट जैसे विशेषज्ञ शिशुपाल ने हटाए। ऐसा ही होता है बच्चों, गलती से कोई गुनाह हमसे हो जाता है, छोटा हो या बड़ा। हमारे आगे जो मान वाचक शब्द होता है वो तभी निकल जाता है। कोई नहीं उठा सकता। मैं आपके साहस, आपकी बुद्धिमानी
आए ये कहानी खत्म होती है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूं कि न्याय हमारे समाज में सबसे महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है, उसकी हमेशा कदर करना चाहिए। इसलिए हम ये पाठ यहां पर समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम अगली कहानी सीखेंगे। तब तक